नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक बार फिर नरेंद्र ढान अंकल जी का की पुस्तक लाइफ मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ का जो हिंदी वर्जन है जीवन और मृत्यु के स्वामी से एक रीडिंग सेशन होगा। महाराज की बहुत कृपा है, आज का जो रीडिंग सेशन है वो लॉस एंजल्स से गुरु संगत अलका गुप्ता आंटी जी करेंगी। सेशन को नरेंद्र ढान अंकल जी मैनेज करेंगे। आप सबका स्वागत है। इसी के साथ ही मैं अलका गुप्ता आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को स्टार्ट करें। ओवर टू यू अलका गुप्ता आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, सारी संगत जी को बहुत प्रेम से जय गुरु जी। आंटी स्टार्ट करें प्लीज। हाँ जी, आज हम जो जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं उस बुक में से चैप्टर 25 पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पेज नंबर 25, और उसकी हेडिंग है मांगो नहीं माना करो। गुरु जी अपने भक्तों को सदैव स्मरण कराते रहते हैं कि भक्तों को संसारिक वस्तुओं को मांगने की अपेक्षा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे बहुधा कहा करते थे, मांगो मत माना करो। वे कहते थे, वस्तुएं मांगने या कामना पूर्ण होने की प्रार्थना करने से भक्तगण उनकी शक्ति और अलौकिकता को कम समझ पाते हैं। एक बार दिवाली थी, एम्पायर स्टेट में गुरुजी रसोई घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं उनकी चरण सेवा पैरों की मालिश कर रहा था। तब गुरुजी ने पूछा कि क्यों मनुष्यों को उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मनुष्यों को कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, गुरुजी हमारा मन पढ़ सकते हैं, इसलिए वे बिना मांगे ही हमारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि जब हम मनुष्य उनसे कुछ मांगते हैं तो चाहे उसके भाग्य में हो ना हो, तब भी उन्हें वो इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं, परंतु वह कुछ समय के लिए ही प्रसन्नता दे सकती हैं। इसके विपरीत जब गुरुजी स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं तब केवल इस जन्म में ही नहीं अपितु अगले जन्मों में भी हमें आनंद प्राप्त होता रहता है। उन्होंने मलेरकोटला के एक कॉलेज का सत्संग सुनाया। उन दिनों गुरुजी वहां बीए कर रहे थे। वे अपने प्राध्यापक के घर रहते थे। उन्होंने वहां कई चमत्कार दिखाए और लोगों को धन्य किया। वार्षिक परीक्षा होने से पहले उन्होंने आने वाले प्रश्नों के बारे में प्राध्यापक को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पता है कि परीक्षा में उन्हें कितने अंक मिलेंगे। वे एक दूसरे को गुरु कहकर पुकारते थे। प्राध्यापक के एक पुत्री थी, उनकी पत्नी एक पुत्र भी चाहती थी। उसने गुरुजी से कई बार उनको पुत्र रत्न प्राप्त करने का आशीर्वाद देने को कहा। गुरुजी ने उनसे कहा कि वे भी उसके पुत्र के सदृश ही हैं, परंतु वे लगातार अपनी जिद पर अड़ी रही। गुरुजी ने प्राध्यापक से कहा कि उनके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी उनकी पत्नी की जिद के कारण उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, परंतु उनके पुत्र की आयु मात्र 11 वर्ष ही होगी। अपने 11वें जन्मदिन पर वो ये संसार छोड़ जाएगा। गुरुजी ने प्राध्यापक को ये तक बता दिया कि जिस समय उसकी मृत्यु होगी उस समय कौन सा शब्द चल रहा होगा। गुरुजी ने प्राध्यापक ये सब बातें पूर्ण रूप से गुप्त रखने को कहा और कहा कि ये बात वे अपनी पत्नी को भी ना बताएं। गुरुजी की भविष्यवाणी सुनकर प्राध्यापक पुत्र की 11वें जन्म दिवस पर मृत्यु हो गई। गुरुजी द्वारा कही गई कोई भी बात प्राध्यापक ने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। सन 2002 में गुरुजी ने प्राध्यापक को कहा कि वह अपनी पत्नी को बताएं कि क्यों किसी को गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए।
वर्षों पहले हुए अपने पति और गुरु जी के वार्तालाप के बारे में सुनकर वो गुरु जी के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा याचने करने लगी। गुरु जी ने कहा कि वे बहुत प्रसन्न हैं कि प्राध्यापक ने अपने वचन का पालन किया और जब तक आज्ञा नहीं मिली इस बात को किसी को नहीं बताया। यह सभी तथ्य बताते हैं कि गुरु जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। हमारे प्रति उनके स्नेह पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह सब कुछ उनके हाथों में सौंप कर संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। अपनी कामनाएं पूर्ण करने की अभिलाषा त्याग कर जो कुछ उन्होंने हमें दिया है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मात्र प्राणी होने के नाते हम नहीं जान पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है। गुरुजी हमारे ईश्वर हैं, वे सर्वज्ञ हैं, उनकी कृपा एवं सर्वोच्च अनुकंपा का आनंद लेना चाहिए। और यहाँ पर ये सत्संग कंप्लीट होता है, तो आई रिक्वेस्ट दान अंकल टू काइंडली शेयर समथिंग श्योर श्योर अबाउट दिस सत्संग। ओवर टू यू दान अंकल। या गुरुजी चलिए ने चलिए। गुरुजी टाइम टू टाइम हम सब लोगों को कोई ना कुछ समझाते ही रहते हैं, तो हम सब लोग समझते भी रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक खुद नहीं बीतती तब तक नहीं पता लगता। जब इनिशियली हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ में जाने लगे थे, तो गुरुजी एक ही चीज़ हमेशा बोलते थे। दिल्ली में मैंने बहुत कम सुना था उनको बोलते हुए, मंगीदा नहीं हुंदा मन्नीदा हुंदा, मांग के अपने गुरु को छोटा नहीं करते। जिसके पास कुछ होगा वो देगा, जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो देगा क्या। मांग के तो लिया तो क्या लिया। कहते दो तरह के गुरु होते हैं, मनमुखी और मुंहमुखी। एक होते हैं मुंहमुखी, जो जिसको बोलना पड़ता है आप बोलोगे तब वो आपको देगा। एक होता है मनमुखी, जो बिना मांगे आपको सब कुछ दे देता है। तो मैं मनमुखी हूँ, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे किसका क्या कल्याण करना है। तो ये चीज़ चलती रही। तो हम सही बताऊं, तोतों की तरह डटे होते थे। रियलिटी क्या है वो चीज़ नहीं समझते थे हम लोग। तो उस चीज़ की टाइमिंग होती है, तो गुरु जी दिवाली पे बैठे थे, तो डेस्क पे ऊपर बैठे थे जहाँ पे एम्पायर सेट में बैठते थे। तो मेरे ख्याल से 8:15 तक हार्डली 5-6 लोग आए थे। तो गुरु जी डेस्क पे बैठे थे, मैं उनके मुक्की मार रहा था वहीं खड़े खड़े। तो गुरु जी हंसने लगे, कहें देख नरेंद्र, आप इतने बैठा हुआ है और लोग घर पे मिट्टी की मूर्तियां पूज रहे हैं, और 8:15-8 बजे वहां से पूजा से फ्री होके बोलेंगे चलो गुरु जी के पास चलते हैं, लंगर करके आते हैं। तो कहते ये मौका वापस नहीं मिलेगा, रब दे नाल दिवाली मना लिया करो, मौका मिले ना मिले दोबारा किसी को कुछ नहीं पता। तो 2002 से उन्होंने हमें 2001 से बोलना शुरू किया था, तो 2006 तक हम लोगों ने उनके साथ दिवाली मनाई। ही से कभी भी मिस ना करना, गुरु के साथ कोई भी फंक्शन मिस ना किया करो, कल का किसी को कुछ नहीं पता। तो उनको तो सब कुछ मालूम था। तो बैठे थे, तो मुझे कहते नरेंद्र मंगीदा क्यों नहीं होता। तो मैंने जैसे हमारे छोटे से हमारे अपना दिमाग है ह्यूमन का, गुरु जी बिना मांगे दे देते हो, ये है वो है, आपको कहने की लॉजिक की है, तो गुरु के आगे लॉजिक नहीं चलते हैं। तो मैं चुप करके ऐसे खड़ा हो गया, मगर गुरु जी इसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। तो गुरु जी ने फिर सत्संग सुनाया कि जब मैं BA पार्ट वन में मलेरकोटला में पढ़ता था, तो जो मेरे प्रोफेसर साहब थे उनसे मेरा बहुत प्यार था, जस्ट लाइक ए फादर एंड मदर भी मुझे वो प्यार की तरह बच्चों की तरह करते थे। उनकी एक ही बेटी थी, मैंने उनको सब कुछ दिखा दिया BA पार्ट वन में, जो उनके घर पर भी जाके रहता था मैं। तो मैंने उनको वो दिखा दिया था जो जिसको हम बोलते हैं कि परमात्मा क्या है, कहते लेकिन वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। क्यों, वो कहते हमारे टाइम पे गुरु की वैल्यू होती थी, आज की डेट में टीचर की वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय टीचर को दूसरा भगवान माना जाता था, क्योंकि टीचर ही आपको दूसरा रास्ता दिखाता है इस दुनिया पे चलने के लिए। तो मैंने BA पार्ट वन में फाइनल ईयर का उनको सारा कॉलेज का रिजल्ट बता दिया, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बता दिया, और मेरी क्या पोजीशन आएगी मैंने सब कुछ बता दिया। तो कहते एक दिन मैं खाना खाने के लिए वहाँ पे गया, तो आंटी चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही थी। तो उस समय तो स्टोव या बाकी चीज़ें नहीं होती, चूल्हे होते थे, तो चूल्हे पे खाना बना रही थी। तो दोपहर में बैठ के मैं खाना खाने लगा, तो जैसे ही उठने लगा ना, तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो गुरु जी का नाम लेके कहते उन्होंने बोला कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत पावर है, मुझे एक बेटे की दाद प्लस कर दे जो प्रोफेसर साहब का वंश चला सके। तो गुरु जी कहते कौन सा वंश आंटी, मैं तेरा मुंडा ना, अगर तू मुझे भगवान समझती है, मुझे अपना बेटा समझ, तो बेटा भी समझ ले। तो
मैं तेरा बेटा हूँ। कहती नहीं नहीं मुझे प्रोफेसर साहब के वंश का चलाने वाला बेटा बच्चा चाहिए। कहती आंटी कौन सा वंश? तेरे फादर का नाम ये, उसके फादर का नाम ये, थर्ड पीढ़ी का किसी को भी नहीं पता, उसके फोर्थ पीढ़ी का किसी को नहीं पता। कहते वंश क्या है आंटी? वंश वो है जब तक हम लोग जिंदा हैं, बस उतना ही वंश है, उसके बाद किसने देखा वंश को। तो कहते मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं माने। कहते देख मेरे में इतनी पावर है, मैं सूखी हुई लकड़ियों को हरा कर सकता हूँ, बंजर धरती में पौधे पैदा कर खड़े कर सकता हूँ, इतनी मेरे में पावर है। लेकिन तू बेटे की दात ना मांग, तेरे पास बेटे नहीं है। तो कई बार हम गुरुजी को फोर्सफुली करते हैं, ये जबरदस्ती मुझे दो, इसे जो जबरदस्ती मेरे से लोगे ना, उसका भुगतान भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना पड़ता। तो कहते मैंने नरेंद्र तीन दाने मंगवाए, एक कनक का, एक मक्की का और एक सरसों का, अपने नेल्स के ऊपर रख दिए और पौधे खड़े कर दिए, नेल के ऊपर पौधे खड़े कर दिए। कहते मैंने उसको समझाया, आंटी मेरे में इतनी पावर है, मैं ने नौहा दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकता हूँ, पर तू बेटा ना। तो उनकी एक ही बेटी थी, जब उन्होंने बहुत फोर्स किया, कहते भगवान भी जो होता है ना अपने भक्तों के बस में होता है, जब आप फोर्सफुली उनसे मांगते हो उनको देना ही देना पड़ता है। मुझे मालूम है इस दीवार के पीछे क्या है, आपको नहीं मालूम। तो कहते मैं जब उन्होंने मांग लिया, शाम को प्रोफेसर साहब आए तो मैंने भी दे दिया बेटा। शाम को प्रोफेसर साहब आए, खाना खाया तो मैं उनको रूम में लेके चला गया उनके, तो मैं उनके मंचे के ऊपर बैठ गया, सोफे के लगा लो जो मर्जी बोल, तो वहां पे बैठा और उनको बोला आप नीचे बैठो, आज मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे चेले हो सर, जो मैं आज आपको बात बोलूंगा आप किसी से शेयर भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। कहते अगर आपने ये बात किसी से भी शेयर की, मेरा और आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म, इस जन्म का नहीं जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कहते क्यों? हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपनी हस्बैंड से कभी भी कोई चीज नहीं छुपा सकता, वो पार्ट्स में डिवाइड करके बात बता देते हैं, 5% आज बता दिया, 5% एक वीक बाद बता दिया, तो उसको कंप्लीट चाहे 6 महीने में करे तो वो एक दूसरे से शेयर कर देते। कहते अंकल किसी ने नहीं देखना, गठ बन ला। तो गुरु जी कहते देख आंटी ने आज मेरे से बेटे की दात मांगी है, तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, बट आंटी ने फोर्सफुली मांगा है तो मैंने दे दिया। कहते तो मैंने उनको बोला कि बेटे की एज 11 साल की होगी और 12वां बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं कि 11 पूरे हो गए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा होगा, हरबंस सिंह रागी का जो शब्द चल रहा होगा और एट द स्पॉट बेटे की डेथ हो जाएगी। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र अभी तो बेस भी नहीं रखा गया, असी तो मौदा भी दिन दस था। तो कहते वो चीज़ हुई, सब कुछ हुआ, बेटा हुआ, तो 11 बर्थडे सेलिब्रेशन हुए, हर बार उनके घर पे गुरु अखंड पाठ साहब का पाठ रखा हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब जी का, और वो दूध का भोग रखते हैं जैसे हम लोग दूध का, उन्होंने भोग दिया वही बच्चे को भोग दिया, तो दूध यहीं पे अटक गया उसके, और एट द स्पॉट उसकी डेथ। उसकी डेथ को भी मेरे ख्याल से गुरु जी उस समय टोटल बता रहे थे, टोटल 20 साल हो चुके थे, 20 से 22 साल हो चुके थे। तो गुरु जी कहते फिर जब मैं 2002 में जलंधर गया तब मैंने प्रोफेसर साहब को बताया, हूँ दस अपनी आंटी नू गुरु हाँ तो क्यों नहीं मंगती है, मंगी रहे। कहते मांग के मांग देना भी मैंने, ये नहीं मेरे से नहीं मांगना, देना भी मैंने, जब मैं आपको बिना मांगे इतना कुछ दे देता हूँ, थोड़ी सी तो पेशेंस रखो। लेकिन कहते हैं आज जो हम लोग बात करते हैं इंस्टेंट कल्याण की बात करते हैं, ठीक है, जो पब्लिक आती है, जो संगत आती है, सबको इंस्टेंट कल्याण चाहिए, लॉन्ग टर्म किसी को नहीं चाहिए। इंस्टेंट जो कल्याण है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो लॉन्ग टर्म होता है वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ होता है। गुरु पे विश्वास रखना सीखो, गुरु को टाइम देना सीखो, हम गुरु को टाइम नहीं देते, हम बोलते हैं मैं गुरु जी के पास हूँ मेरा इमिडिएटली कल्याण हो जाए, ये सिर्फ गुरुओं को भी टाइम देना सीखो। गुरु हर एक का कल्याण करता है, जो गुरु मेरी शरण में आ गया कोई ऐसी संगत नहीं होगी जिसका मैंने कल्याण ना किया हो, लेकिन फिर भी वो एज ए ह्यूमन हम लोग बोलते हैं उसके कल्याण ज्यादा कर दिए, मेरे कल्याण तो किए। तो कभी किसी से कंपेयर मत करो, ओनली ट्रस्ट टू गुरु जी। जय गुरु जी। जी। हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सत्संग की हेडिंग है दिव्य शक्ति से जुड़ने के 9 चरण। गुरु जी सदा हमारी भलाई सोचते हैं। गुरु जी का उपदेश था, यदि हम मनुष्य दिव्य बनना चाहते हैं और अंत में दिव्यता ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस सीढ़ी पर 9 पग रखने चाहिए जो हमें हमारे गुरु या भगवान से मिलन करवाए। गुरु जी कहते थे कि वे अपने भक्त की सीढ़ी के 8वें चरण तक बड़ी सुगमता से चढ़ा सकते हैं। उस पड़ाव पर पहुंचकर शिष्य को
बहुत महत्व और यश मिलने के साथ साथ सेवा करने के भी बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। बहुधा इस पड़ाव पर भक्त में अहंकार भी जन्म ले लेता है और वह स्वयं को गुरुजी के बहुत निकट समझने लगता है। बहुत से शिष्य या भक्त ये भी समझने लगते हैं कि उनमें दिव्य शक्ति आ गई है और वे गुरुजी के इतने करीब आ गए हैं कि गुरुजी केवल इन्हीं की बात सुनेंगे। वास्तव में कई बार ये स्वयं को गुरुजी सदृश प्रभुत्वशाली और स्वामित्वशाली समझने लग जाते हैं। उस समय गुरुजी शिष्य को नवे चरण पर ले जाते हैं, परंतु पहले के चढ़े हुए 8 कदम वे ले लेते हैं। फलस्वरूप शिष्य बिना किए किसी सहारे के हवा में लटकते रह जाते हैं। मार्ग से नीचे गिरने पर उन्हें अपनी मूर्खता का भान होता है। गुरुजी के शब्दों में भक्ति का 9वां चरण अहम है। इस चरण को पार करने के लिए अत्यंत विनम्र होना आवश्यक है। हमारे जाने बिना ही हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और अहम के 9वें चरण को लांघ कर हमें भक्ति की उच्चता की ओर ले जाते हैं। जब गुरुजी भक्ति के 9 चरणों का वर्णन कर रहे थे, तो मैंने गुरुजी से कहा, हम तो उनके चरण कमलों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया कि सबसे प्यारा और दुलारा शिष्य वही है जो आध्यात्मिक रूप से गुरुजी के साथ जुड़ा रहे। यदि गुरुजी फिर मानव अवतार में इस पृथ्वी पर आते हैं, तो भक्त और शिष्य भी उनके साथ ही आएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी गणना अभी उन प्यारे भक्तों में नहीं हुई है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मुझे अपनी प्रिय संगत में ले लें। उन्होंने कहा, उस अवस्था तक पहुंचना भक्त के लिए इतना आसान नहीं है। अत्यंत विनीत एवं विनम्र भाव से उस अवस्था में पहुंचकर और कुछ ना चाहकर केवल उनकी सेवा ही मांगे। भक्ति की यह कठिन परीक्षा कई बार कर्मठ और सच्चे भक्त भी नहीं कर पाते हैं। शिष्य को हमेशा विनम्र भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार रस को आखिरी बूंद तक निचोड़ कर निकाला जाता है, उसी प्रकार गुरुजी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। गुरुजी का शिष्यत्व ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। गुरुजी द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं में शिष्य का सफल होना आवश्यक है। परीक्षा की कठिन घड़ी में शिष्य के सगे संबंधी भी शिष्य का साथ छोड़ देते हैं। भक्त भक्ति के इस मार्ग में संपूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ अकेला ही चलता है। गुरु पर संपूर्ण विश्वास एवं गुरु की सुरक्षा भक्त को निराश नहीं होने देती। अंततः यह विश्वास और निष्ठा गुरु का हृदय जीतती है और भक्त को सदा सदा के लिए परमपिता प्राप्त होते हैं। जय गुरु जी। ओवर टू यू जय अंकल। गुरु जी, अंकित जी, हम लोग सोचते हैं कि हमने गुरु जी को पा लिया, हम बहुत क्लोज आ गए हैं। तो मेरे को उस समय गुरु जी का ये होता था, 20 से 22 दिन मेरे से फ़ोन पे बात होती थी। तो एक आपके बीच में कहीं ना कहीं ये आती है कि मैं तो मेरे में कुछ होगा, गुरु जी के बहुत क्लोज हूँ, गुरु जी मेरे से बात करते, ये अहम ही होता है। अब वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी होती हैं कि वो आपको दे रहे हैं, वो तो ब्लेसिंग देने के लिए ही फ़ोन करते थे। तो हम लोगों में क्या औकात है कि हम उनके चरणों की धूल भी बन सके। तो मंडे का दिन था, तो गुरुजी एम्पायर सेट अपने रूम में लेटे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सेवा कर रहे थे। तो वो उनके स्टमक की सेवा कर रहे थे, तो इतना हार्ड था जैसे पत्थर होता है। कहते देखो देख डिम्पल, मैं संगत के बुरे कर्मों को अपने ऊपर उठा सकता हूँ, मेरे में ही क्षमता है। कोई भी जो साधु है, गुरु है, संगत के अपने जो उसकी संगत, उसके बुरे कर्मों को अपने ऊपर कभी नहीं उठाएगा। वो हमेशा दान पुण्य पूजा पाठ के लिए बोलेगा, एक मैं ही पूर्ण गुरु हूँ जो आप सब लोगों के बुरे कर्मों को अपनी बॉडी में लेता हूँ। तो कहते देख, मैं इतना संगत का कल्याण करता हूँ। तो मैं चरणों की सेवा कर रहा था, तो बातें चल रही थी, बातों बातों मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं तो इतना लकी हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों की धूल बना दी, मैं तो इसके काबिल नहीं था।
तो गुरुजी हंसने लगे, अरे हैं ठीक है। तो मैं कहा गुरुजी मैं तो लकी हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों की धूल बना ली। कहते कमले तू तो मेरे चरणा ही तो बहुत दूर की बात सोच ली तू, तू तो मेरे जो असली संगत है ना उसकी भी तीन लेयर्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो संगत है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, जब भी गुरुजी अवतार लेंगे दोबारा कभी भी लेंगे वो संगत हमेशा उनके साथ आती है, तो इस कॉल पक्की संगत। तो तू तो अभी उनके चरणों की धूल भी नहीं है। तो गुरुजी ने बातें करने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी कुछ तो बाईपास होगा आप लोगों के पास यहाँ पे पहुँच कर। यहाँ पे कोई बाईपास नहीं होता, भक्ति के रास्ते कहने बहुत आसान है, इन पे चलना बहुत मुश्किल है। ये नंगी तलवारें होती हैं, कक्के रेते होते हैं, पंजाब में रेता होता है कि उसके ऊपर चलते तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं, कांटों वाले रास्ते हैं, बहुत मुसीबतें आती हैं, इतना आसान नहीं होता भक्ति के रास्ते पे चलना। तो कहते नौ सीढ़ियां होती हैं जिनको हम नौ रिद्धियां सिद्धियां बोल देते हैं, नौ ही दरबार बोलते हैं हम अपने। तो ही सिर्फ की नौ सीढ़ियां होती हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, पूर्ण गुरु तक पहुंचने के लिए। तो आठ सीढ़ियां मैं सबको चढ़ाता हूँ, डजन मैटर वो नई संगत है पुरानी संगत है, जो हम लोग सोचते हैं नई है पुरानी है, यहाँ सब कर्मों का खेल है, कोई सालों का खेल नहीं है। जिसके जितने कर्म अच्छे होंगे भगवान से उतनी जल्दी ही पाके जाएगा। तो कहते तो मैं आठ सीढ़ियां सबको चढ़ाता हूँ, जब वो आठ सीढ़ी चढ़ता है ना संगत तो वो क्या बोलती है, मैं गुरु गुरु मैं, क्योंकि तो गुरु उसको इतनी ब्लेसिंग दे देता है, वो जो बोलता है वो सच होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या बोलता है, मैं गुरु गुरु मैं, मैंने गुरु को पाया है और तो किसी ने पाया ही नहीं है, बाकी सब तो बेवकूफ है, मैंने ही गुरु को समझा है और तो को गुरु को समझा ही नहीं। तो कहते वो फिर मैं उसको नौवीं सीढ़ी चढ़ाता हूँ, चल बेटा तू नौवीं सीढ़ी चढ़। तो मैं आठ के आठ नीचे वाले फोड़े तोड़ देता हूँ, तो फिर हवा में झूलता है वो। कहते नरेंद्र नौवीं सीढ़ी पता की हुई है, मैं कह नहीं गुरु जी। कहते नौवीं सीढ़ी मैं दी, ईगो दी, कोई उससे बाहर निकल ही नहीं सकता। पूर्ण गुरु जब तक ना चाहे, पूर्ण गुरु की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ना हो, आप नौवीं सीढ़ी पार नहीं करते। 99.5% संगत वहां से नीचे गिरती है, जिस पे गुरु की मेहर होती है, भगवान की मेहर होती है, वही नौवीं सीढ़ी पार। क्यों, मैंने गुरु को सा, सानू कौन पालूगा, कहते मुझे कोई नहीं पा सकता, सब मेरे नजदीक है सब मेरे दूर है, सबके नजदीक मैं हूँ सबके दूर मैं हूँ, तो मैं तो सबका हूँ, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं। आप जितने अच्छे करो कर्म करोगे उतने ही मेरे नजदीक रहोगे। इसे असी नींबू दिया फाला मंगू ने छोड़ दई दे, फिर पता लगता है एक एक लीव्स में से मैं ड्रॉप निकाल के दिखाता हूँ, फिर पता लगता है गुरु क्या चीज है। कहते गुरु को इतना आसान नहीं है पाना, गुरु को बहुत मुश्किल है, तो करोड़ों में एक बंदा होता है जो गुरु को पाके जाता है। तो मुझे मालूम है, कहते किसको क्या देना है, आप अपने रास्ते पे चलते रहो, गुरु पे अपनी सेवा करते रहो, लेकिन जहां मैं है कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय तो कोई चाहे सेवादार है, चाहे हम कुछ भी, चाहे भगत है चाहे संगत है कुछ भी बोलते हैं, यहाँ कोई मैं नहीं है। जब तक मैं नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान को पाया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे है ही नहीं। तो जय गुरु जी आपकी। जी, गुरु जी का सचखंड प्रसाद, गुरु जी का सचखंड प्रसाद आशीर्वाद से सुकृत मिठाई जो गुरु जी गुप्त रूप से बनाते थे, कुछ भक्तों को भी देते थे। हम सब भी चाहते थे कि हमें भी वह प्रसाद मिले। एक बार हम जालंधर मंदिर में थे, तब गुरु जी ने 10 मिनट के थोड़े समय में दो भक्तों को यह मोहन प्रसाद दिया। उन भक्तों को यह प्रसाद पहले भी मिल चुका था। मैं सोचने लगा, मुझे इस तरह का आशीर्वाद भरा प्रसाद क्यों नहीं मिला है। गुरु जी ने मेरे मन के विचार पढ़ लिए। कुछ दिन बाद में गुरु जी की सेवा कर रहा था, तब गुरु जी ने कहा कि दैवीय प्रसाद पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण मिलता है और जिसके लिए बनाया है उसी को वे देते हैं। केवल वे ही जानते हैं कि कब और कैसे यह देना है। एक दिन एक संगत को ISBT बस अड्डे कश्मीरी गेट नई दिल्ली उतारने का आदेश गुरुजी ने मुझे दिया। यह दंपति गुरुजी के
पैरों के जोड़े बनाने की सुसेवा करता था। गुरुजी ने इस दंपत्ति को अपने पहनी हुई जूती का जोड़ा भी दिया। दंपत्ति ने वह जूती का जोड़ा मुझे दिखाया तो उस समय भी उनमें से सुगंध फैल रही थी। मैंने आदर पूर्वक उस जूती के जोड़े को अपने मस्तक से लगाया। मैंने जूती के जोड़े के नीचे सफेद पाउडर सा लगा देखा। मुझे पता नहीं चला कि वो क्या था, परंतु मैंने उसे चखा। यह जानने पर कि ये ही सचखंड का प्रसाद है, मेरे उमंग और आनंद की सीमा ना रही। प्रसाद इतना सुगंधित था कि चखने के बाद भी उस सुगंध को अपने भीतर तक महसूस कर रहा था। अंततः गुरुजी ने इतने प्यारे तरीके से मुझे सचखंड प्रसाद देकर धन्य कर दिया। मैं सदा के लिए कृतज्ञ और अनुग्रहित हूँ। केवल वे ही जानते हैं कि अपने भक्त को कब और कैसे अनुग्रहित करना है। वे अपने विशेष अंदाज से हमको आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी। ओवर टू यू नरेंद्र अंकल। 10 अप्रैल 2002 की बात है। गुरुजी रात को 12:15 दुबरी के लिए उन्होंने जाना था, तो 2 दिन गुरुजी वहाँ रहे। 13 अप्रैल 2002 को बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन ऑर्गेनाइज था, तो 10 अप्रैल को गुरुजी बाहर खड़े थे। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में कभी सचखंड नहीं आता देखा था, ना कभी ये जिसको मिला है उसको मिला। एक मन में होती है, हर एक संगत की होती है, मुझे भी सचखंड का प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कभी माला डिप करके उनको वो भी जल पिलाया हुआ, तो बड़ी फ्रेगनेंस होती थी। तो जैसे निकले तो 2 संगत को दिया, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने 2 संगत को दिया। अंदर से निकलते निकलते, हॉल से निकलते निकलते, तो बाहर आके खड़े हो गए, तो हंसने लगे, कहते देख मैंने जलंधर मंदिर में इतनी ब्लैसिंग भर दी है, सानू दोबारा आने की लोड़ नहीं। लेकिन वो वर्ड नहीं समझ लगा उस समय कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो प्रसाद का मैं बता रहा हूँ, जब वो प्रसाद आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम 12:15 बजे मैंने घंटी और शंख बजते हुए सुने थे अपनी लाइफ में, मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं कहा यार रात को 12:15 कहाँ, कौन से मंदिर में आरती। उस समय दिमाग नहीं चल रहा था कि गुरु जी प्रसाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि इस समय रात को कौन से मंदिर में आरती हो रही है जो शंख बज रहे हैं और घंटियां बज रही हैं। तो जब गुरु जी ने प्रसाद दे दिया, देन वी कैन राइज इट, कि ऊपर से जब प्रसाद आता है तो वहां पे भी आरती होती है कि किस संगत को प्रसाद मिल रहा है। इतना लकी गाय जिसको गुरु जी अपने हाथ से सचखंड का प्रसाद दे। तो वहां से चले गुरु जी वहां आगे, एक मन में होता है कि हाँ यार मुझे भी कभी मिलेगा, ये सोचते थे कि ये गुरु जी के बस में है, गुरु जी जिसको मर्जी प्रसाद दे दें, कौन चाहता है कौन नहीं है, किसको देना चाहते हैं। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में हम लोग बैठे थे, तो ऑफ डे था, शाम को मुक्की मुक्की चल रही है। मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी मुझे भी सचखंड का प्रसाद दे दो, कभी आप तो किसी को भी दे सकते हो। कहते नरेंद्र खजाना मेरा है ऊपर, लेकिन मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकता, कर्मों के हिसाब से ही चाबी खुलती है, मेरे पास चाबी है सब कुछ है, लेकिन खुलती वो कर्मों के हिसाब, जिसके जिसके जैसे कर्म पिछले होंगे उसी हिसाब से उसको सचखंड का प्रसाद मिलेगा जिसको जरूरत है, लेकिन मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकता। तो कहते देखो मैं अपने हाथ से तुम्हें प्रसाद देता हूँ, तुम्हें अपनी चाय प्रसाद पी हुई मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ, अपना खाया हुआ तुम्हें देता हूँ, ये तो लाइव सचखंड है, वो तो खजाना है, ये लाइव है, इससे ज्यादा नहीं होता। मैं कहा गुरु जी वो तो है, पर एक सचखंड का प्रसाद तो सचखंड का प्रसाद, वो फिर भी दिमाग में हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं ये क्यों है। तो गुरु जी हंसते कहते देख तेरे कर्मा च लेके आया होगा तेनों जरूर मिलूंगा, बट मैं फोर्सफुली नहीं दे सकता। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन कोई अंकल बैठे थे मेरे ख्याल अशोक वर्मा अंकल थे, उनको प्रसाद दिया गुरु जी ने, तो जितनी संगत बैठी थी वो सबको प्रसाद दिया, मेरे अराउंड 350-450 लोग एम्पायर सेट में थे, सबको प्रसाद दिया। तब उन अंकल से पूछा गया कि, क्योंकि वो बिल्कुल बोले नहीं आधा पौना घंटा जब तक गुरु जी ने प्रसाद, कि गुरु जी अंकल आप क्या थे आप बिल्कुल, कहते गुरु जी बैठे ही नहीं थे वहां, वहां शिव बैठा हुआ था, एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ से वो सबको प्रसाद दे रहे थे। आप गुरु जी आपको प्यार लगा लो, आपको चढ़ाने का तरीका लगा लो। तो नेक्स्ट डे ही कॉल टू मी, मैं अहमदाबाद में था, कहते नरेंद्र कल प्रसाद प्रोड्यूस किया था आपा, अशोक ने दिता, अशोक वर्मा अंकल ने दिता थी प्रसाद, और ये जो प्रसाद आया था ना 1000 साल के बाद आया था, 1000 साल पहले ये सेम प्रसाद मैंने
1000 साल पहले बांटा था। तो कहते सारी संगत को प्रसाद दिया, आप इसको जलसी वाला लगा लो, जो मर्जी लगा लो कि गुरु जी आपको थोड़ा सा वो पिंच कर रहे हैं। तो जितनी संगत थी वहां पे नरेंद्र, सबको मैंने प्रसाद दिया। जिस जिसको प्रसाद मिला है ना, मैंने अपने हाथों से वो प्रसाद दिया, मैंने जन्मों जन्मों के पाप खत्म कर दिए। तो अब उतनी संगत का कल्याण उनके थ्रू लिखा हुआ था कि मैंने इतनी संगत का कल्याण, जिसने वो प्रसाद मिल गया। कोई किसी के लिए प्रसाद नहीं रखता, संगत में ही गुरु जी ने आपको भाई बहन बनाए हैं सारे। तो नीरू भारद्वाज मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने छोटे से दो मिश्री के, जैसे हम चीनी के दाने होते हैं, एक रैप में करके मेरे लिए वो रखे थे। तो आप सोचते हैं कि सचखंड का प्रसाद है, ये तो मेरे ही है। कहते हैं ना, अपने भाइयों से अपनी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हैं जो प्यार एक दूसरे को देते हैं। तो उन्होंने मुझे दिया वो, हम दोनों ने तीनों ने प्रसाद खाया वो। लेकिन ठीक है, मन में होता है कि कभी जब देना होगा गुरु जी दे देंगे। थोड़े दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद, एक दिन रात को मैं जाने लगा तो गुरु जी कहते एक आंटी अंकल को, कहते इनको ना वहाँ छोड़ के आओ, अपना कश्मीरी गेट ISBT छोड़ के आओ और अंदर तक छोड़ देना। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, एम्पायर स्टेट से, उनकी गोद में एक लिफाफा था, उन्होंने बोला देख अंकल मुझे ना भाई, मुझे गुरु जी ने वो प्रसाद जोड़े दिए हैं। तो मैंने वो जोड़े लिए, उन्होंने मुझे दिखाए दोनों, मैंने जोड़े पकड़े अपने माथे पे लगाए, उनके नीचे वाला पोर्शन भी मैंने अपने माथे पे लगाया, क्योंकि तो मेरे गुरु जी ने पहने हुए, मेरे गुरु चल रहे हैं उनके ऊपर। तो जैसे ही मैंने उनको छुआ, तो एडी बनी होती है छोटी सी जोड़ों के बीच में, उस एडी के बीच में कुछ व्हाइट रंग की चीज फंसी हुई थी, आप उसको जैसे बर्फी लगाते हैं या कुछ और चीज़ है, वो अटकी हुई है। मेरे छोटे छोटे नील होते थे, मैंने ऐसे किया उसको, जल्दी वहाँ हाथ पे डाला और खा लिया। क्यों, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे क्या लेना देना क्या है, मेरे गुरु के जोड़े हैं, उनके जा जो लगा हुआ है, चाहे वो गंदगी भी लगी हो, वो मेरा प्रसाद है क्योंकि मेरे मालिक ने पहने हुए हैं। तो जब वो मैंने खाया, इसे सचखंड प्रसाद, तो सचखंड प्रसाद खाने के बाद पूरी बॉडी चिल्ड हो गई। इसे वे ऑफ ब्लेसिंग कि आपको कैसे देनी है। तो ये उन्होंने फिर मुझे ऐसे सचखंड का प्रसाद दिया। यही है गुरु जी का। फिर मन में एक चीज का क्वेश्चन होता था, ये खत्म हो गया कि इसको आप कैसे मिल देंगे कि नहीं देंगे। मन में एक क्वेश्चन था कि देखना चाहता हूँ आता कैसे है प्रसाद, बस एक ही ख्वाहिश थी, क्योंकि तो किसी को पता नहीं लगता था गुरु जी कब प्रसाद आ रहा है, कब दे देते थे। तो एक दिन हम लोग खड़े थे, तो सच गुरु जी वॉक पे जाने लगे, तो खड़े खड़े शैंडलिये के नीचे आके खड़े हो गए, एम्पायर स्टेट में गद्दी से थोड़ा आगे, और मेन कांटी खड़े थे, जोशी अंकल खड़े थे, 7-8-10 लोग बड़ी मुश्किल से होंगे। तो गुरु जी मुझे कहते चल मेन का सत्संग सुना, शॉर्ट से सत्संग सुनाई, तेरे सत्संग बहुत लेंथी ने यार। तो मैंने आंटी को सत्संग सुनाना शुरू किया, मेन का आंटी को मैंने 10 मिनट सुनाया। तो गुरु जी का, जोशी तू आ तू सुना। तो जोशी अंकल के बहुत बढ़िया है कि पूरे समुंदर की पानी को इंक बना दो, और जितने जंगल हैं उनको आप लकड़ी बना दो, पेंसिल बना दो, तब भी आप गुरु का गुणगान नहीं लिख सकते। अंकल सुना रहे हैं और गुरु जी बिल्कुल लास्ट पे जाके खड़े हो गए, बिल्कुल पीछे। तो गुरु जी का फेस इंप्रेशन शुरू हो गया चेंज होना, कभी ब्लैकिश हो रहा है, कभी रेडिश हो रहा है, कभी ब्लैकिश रेडिश हो रहा है। तो एक अलग ही ग्लो गुरु जी के चेहरे पे था, तो जिसको हम बोलते हैं कि अपसेट टाइप लगा लो थोड़ा सा। तो वो खड़े हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी नीचे खड़े हो रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, माथे पे हाथ फेर। इमिडिएटली आई सॉ इट, एक येलो कलर की लाइट आ रही है, लाइट येलो। तो गुरुजी ने ऐसे उसको पिक किया, तो वहाँ पे अंकल खड़े थे, प्रकाश अंकल जो DGP रिटायर हुए थे CRPF में, तो उनको प्रसाद ऐसे दिया, फट प्रकाश जल्दी प्रकाश सिंह आ जा भोग ले। तो उस दिन उनको बोला था भोग देख के, जा तेन पक्की संगत तेरा नाम एंटर करता सी। तो उनको प्रसाद दिया, वो अंकल खड़े हो गए हाथ जोड़ के, गुरु जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो 4-5 मिनट गुरु जी हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो जैसे गुरु जी ने हाथ साफ किया ऐसे, तो जोशी अंकल आया नीचे, जो गिरा हुआ था जल्दी, हम लोग समझ नहीं थी इतनी, वो तो नीचे से उठाया और अपनी फक्की मारी, वो गए वो गए। तो मेनका कहते देख मेनका फ्रेगनेंस लाया मेरे हाथों से, तो बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी उस समय हॉल में, इतनी फ्रेगनेंस थी क्योंकि जब प्रसाद प्रोड्यूस करते थे गुरु जी की एनर्जी भी लगती थी और बहुत फ्रेगनेंस होती थी। तो एक मन में क्वेश्चन आया, तो गुरु जी वॉक पे चले गए, अंकल आपके हाथ में क्या आया था, मैंने तो कुछ और देखा था। उन्होंने बोला जैसे मक्की का दाना होता है ना, ऐसे एक लिक्विड मेरे हाथ में आया। तो वो धीरे धीरे, तकरीबन आधा किलो का मोतीचूर का लड्डू उनके हाथ में बना था, हमारे देखते देखते मैंने देखा, लाइट येलो कलर का था।
तो ऐसे हाथ उनका खुला और पूरा आधा किलो का लड्डू उनके हाथ में। देन आई सॉ इट कि हाँ मैंने लाइट देखी, वो एक सचखंड का प्रसाद है जो जोत के रूप में आया। गुरु जी ने उनको पकड़ा, उनके हाथ में मक्की के दाने जितना गया और आगे वो लड्डू, दिस इज सचखंड प्रसाद। तो ये मेरे मन में था, उन्होंने वो दिखा दिया, तो अब उन्होंने अपने हाथ से हमें प्रसाद भी दे दिया, वो भी सचखंड का प्रसाद। तो जय गुरु जी। अमेजिंग, सच अमेजिंग सत्संग बनकर। जय गुरु जी। आगे पढ़ते हैं। महाशिवरात्रि पर गुरु जी का आशीर्वाद। सन 2002 में हम सब जालंधर मंदिर में शिवरात्रि मनाने की तैयारियां कर रहे थे। गुरु जी ने सबके लिए अलग 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 कार्य निश्चित किए थे। कुछ भक्त मंदिर से जा रहे थे। उस समय गुरु जी सुधा आंटी, कंवर आंटी और अंकल के साथ बैठकर पकौड़े खा रहे थे। अन्य भक्तों के साथ मैंने भी उपवास रखा हुआ था। गुरु जी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि शिवरात्रि पर लोग उपवास क्यों रखते हैं, जबकि शिवरात्रि तो भगवान शिव और देवी पार्वती के शुभ विवाह का उत्सव मनाने का दिन है। उसी समय एक भक्त डुगरी से 50 लीटर लस्सी लेकर आया। मुझे गुरुजी ने बर्फ के 3 बड़े लौंडे लाने का आदेश दिया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि बर्फ और पानी मिलाकर प्रसाद रूप में लस्सी बांट दो। उन्होंने यह बात किसी को ना बताने का मुझे निर्देश दिया। उसी दिन गुरुजी ने मुझे अपने 552 स्वरूप देकर कहा कि हर भक्त को दो दो स्वरूप उनके आशीर्वाद के रूप में बांट। उस दिन जालंधर मंदिर में लगभग 500 भक्त थे। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि गुरु जी की आज्ञा अनुसार सारी संगत को दो दो स्वरूप बांटने के बाद मेरे पास 15 स्वरूप बच गए। केवल ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। गुरु जी तो ईश्वर हैं, उन्होंने अपने स्वरूपों की संख्या कैसे बढ़ाई? ये रहस्य मैं आज तक समझ नहीं पाई और कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ईश्वर के अपने रहस्यमय साधन होते हैं, हम जैसे अज्ञानी और साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। उसी दिन गुरुजी अपने हाथों से बेर प्रसाद बांट रहे थे। बांटने के समय 8 टोकरी बेर में से केवल एक टोकरी बची थी। लगभग एक चौथाई संगत प्रसाद पाने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक अंकल गुरुजी के समीप खड़े थे। मैंने उनको प्रार्थना की कि यह बात गुरुजी को बता दें। गुरुजी ने हमें चिंता ना करने के लिए कहा और उसी बची हुई टोकरी में से संगत को प्रसाद देते रहे। अंत में मुट्ठी भर बेर मुझे और अंकल को भी दिए। मुझे प्रसाद अपनी जेब में रखते देखकर गुरुजी ने समझाया कि आशीर्वाद रूप में दिए गए प्रसाद को जेब में ना रखकर उसी समय आदर और प्यार के साथ खाना चाहिए। हमें उसी रात्रि वापस लुधियाना जाना था। गुरुजी ने गोल्डी और बाबा को सड़क पर खड़ी उनकी कार देख के आने के लिए कहा। दोनों गए और लौटकर गुरुजी को बताया कि गाड़ी भली भांति सड़क पर खड़ी है। गुरुजी ने फिर से उन्हें गाड़ी देखने के लिए भेजा। इस बार वे कुछ बेर लेकर वापस आए। गुरुजी ने कहा, आशीर्वाद युक्त ये बेर उन दोनों के लिए हैं। गुरुजी ने गाड़ी पर रखे बेर देखने के लिए ही उन्हें भेजा था। गुरुजी के आशीर्वाद युक्त बेर उन दोनों ने भी खाए। जय गुरुजी। ओवर टू यू नानक। तो हम लोग बोल देते हैं कि गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। तो शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरु जी ने 500 फोटो मुझे दिए और हमने रात को 12-1 तक बैठ के उसके ऊपर क्लिप भी लगाए, जिससे कि सारी संगत को दो दो बांटने। तो मैंने यही था कि 250-300 संगत होगी, कितने भी बांटने होंगे, लेकिन संगत उस दिन 1000 से ऊपर थी। तो अगले दिन गुरु जी कहते तो किसी को अंदर नहीं आने देना। सुधा आंटी थे, बब्बर अंकल थे, उनकी वाइफ थी और उनकी शायद बेटा था, जो बेटी थी, तो वो चार लोग थे। गुरुजी ऊपर से स्नान करके आए तो गुरुजी रूम में बैठ गए। तो गुरुजी कहते चलो यार आलू प्याज पकौड़े बनाओ। आलू प्याज और मिर्चों के पकौड़े बने और सबने इकट्ठे एक ही प्लेट में बैठ के खाए।
तो मैं उनके रूम के गेट के बाहर बैठा था, तो गुरु जी कहते पता नहीं यार व्रत लोग क्यों रख देने, आज का दिन तो शिवरात्रि माँ पार्वती और शिव की शादी का दिन है। कहते जब हमारे घर पे शादी होती है हम सेलिब्रेट करते हैं कि भूखे रहते हैं, तो इंजॉय करना चाहिए इस फंक्शन को। अब मैंने पहले भी कभी व्रत नहीं छोड़ा, अब आज की डेट में भी व्रत रखता हूँ, तो ठीक है आप सेलिब्रेशन करते हैं गुरु जी के साथ। तो अब गुरु जी का अपना तरीका है, बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है। तो थोड़े दिन निकले तो उसी समय तो गांव से लस्सी आई, राजू लस्सी लेके आया था। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र लस्सी आई है, देख कितनी की लस्सी है। तो मैं कहा 20 से 30 लीटर लस्सी होगी, 2 केन भरी हुई थी। तो गुरु जी कहते बर्फ ले आ। मैं कहा गुरु जी जितनी आपने लस्सी पीनी है तो उतनी तो हमारे फ्रिज में वैसी पड़ी है। नहीं, तू एक ब्लॉक लेके आ लस्सी बर्फ का। मैं कहा सर्दियों के दिन थे, उस दिन फॉग बहुत पड़ी थी शिवरात्रि के। मैं कहा गुरु जी एक ब्लॉक अपन ही करना। तो कहें तू गल नहीं टोकते नहीं है, तू एक ब्लॉक लेके आ। मैं कहा ठीक है। कहते अपनी गड्डी च रख के लेके आई, तो रिक्शा में जाओ उसमें नहीं लेके आना, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आना। तो मेरे पास मारुति 800 होती थी उस समय। तो जब मैं जाने लगा तो कहते काम करी 2 ब्लॉक लेके आ, फिर मेरे से बात करना आके। तो हमने ढूंढी बर्फ को, आइस को, वहां से ढूंढ के जलंधर में, तो आइस लेके आए। तो जब मैं अंदर द्वारा गया तो गुरु कहते एक काम कर बड़ा ड्रम ले ले, तो ड्रम के बीच में जितनी लस्सी बढ़ा सकता है उतनी लस्सी बढ़ा दीजिए, मानी 30 किलो से 1 क्विंटल बना दी। कहते लोग आज बेरों के चक्करों में फंसे रहेंगे, कि गुरु जी बेर बांटते हैं, बेर ही शिवरात्रि का मेन जिसको बोलते हैं। कहते नरेंद्र अज लोग बेरां दे चक्करां च फंसे रहने, कि जड़ा अज लस्सी पी गया ना उहदा भी कल्याण हो, उहदा कल्याण ही कल्याण। तो उनका ब्लैसिंग करने का तरीका है अपना, वो लस्सी के साथ ब्लैस। कहते अपनी आंटी नूं ना दसी कि लस्सी ना कल्याण होना। तो हमने लस्सी की एक अलग स्टॉल बनाई, तो लोग ये बोल रहे, संगत ये बोल रही थी आप लोग सर्दी के दिन में इतनी ठंड पड़ रही है और आप ठंडी चिल्ड लस्सी पला रहे हो। अब गुरु जी का अपना तरीका था, तो गुरु जी बेर बांट रहे थे, 1000+ संगत थी, सबको फोटो में बांटी और गुरु जी बेर बांट रहे थे 7 टोकरों से। उन्होंने तकरीबन 700 750 800 संगत को बांटा, बहुत बड़ी क्यू लगी हुई। एक मन में होता है, हर एक संगत के में होता है, मेरे को बेर नहीं मिले उसको तो बेर मिल गए। जैसे आज हम बोलते हैं ना, मेरे को उनको समोसा मिल गया मुझे मट्ठी मिली, तो शायद समोसे के बीच में ही ब्लेसिंग्स हैं, जब मट्ठी के बीच में ब्लेसिंग नहीं है। ऐसा नहीं है, गुरु के दरबार से जो मिल जाए वो प्रसाद है, चाहे वो टॉफी भी मिल जाए तो वो भी है, एक पानी का गिलास ही मिल जाए वो भी प्रसाद है आपके लिए। तो गुरु ने जिसको जो देना है, तो हमने मैंने अंकल को वो अमरती का बहुत बड़ा टोकरा साथ में ला के रख दिया। तो बब्बर अंकल को बोला, बब्बर अंकल गुरु जी को बोल दो थोड़ी सी स्पीड कम कर दें ताकि सब संगत को मिल जाएगा, हर एक मन में किसी के ये ना कि मुझे तो मिला नहीं। तो गुरु जी का हाथ छोटा सा ऐसे पकड़ ऐसे देते थे तो पूरे हाथ भर जाते थे। तो बब्बर अंकल ने गुरु जी को बोला, गुरु जी ने ऐसे देखा, तो गुरु जी कहते गुरु जी लास्ट है और ये साथ में लाके अमरती रख दी। तो उसी या तो स्पीड स्लो कर दो नहीं तो अमरती बांट देना बाद में। तो गुरु जी ने देखा, हाँ हाँ मैनू पता है। तो गुरु जी ने उससे ज्यादा स्पीड कर दी उसको कम करने की बजाय, तो सारी संगत में बांट दिए, सारी संगत मुझे भी दिए गुरु जी ने। तो मैंने कभी चीजें बढ़ती नहीं देखी थी, मैंने उस फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम चीजें बढ़ते हुए देखी थी कि गुरु जी कैसे एक चीज को बढ़ा देते हैं। तो सबको दिया, मेरे को लास्ट में एक मुट्ठी उन्होंने दिया तो मैंने जेब में रख लिया। तो इसे हॉट ब्लेसिंग जो फंक्शनों पे देता हूँ, जब वैसे देता हूँ ये हॉट ब्लेसिंग होती है, इसको यहीं पे खा ले अभी खा ले। तो बब्बर अंकल को 3 बेर गुरु जी ने खाए, मैं स्टिल रिमेम्बर, 3 बेर गुरु जी ने खाए। और मुझे रात को 1-1.5 बजे वापस भेज दिया, कहते तो लुधियाना जा और उन दोनों को बब्बा गोल्डी और बाबा को रोक लिया। कहा जहाँ मेरी एक्चुअल गाड़ी नहीं है, गद्दी लिखा हुआ, जहाँ मेरी गद्दी लिख रखी हुई थी वहां पे जाके देख के आओ कुछ पड़ा है। वो साथ ही जलंधर मंदिर के आगे कुछ लॉन है, उसमें 1000% आना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें था उस समय। तो वहां पे जाके देखा, अंधेरा था, कुछ नहीं है गुरु जी, द्वारा जाके देख के आओ। तो वहां गए तो 5 या 7 बेर पड़े हुए थे। तो उन्होंने लाके ऐसे मुट्ठी में लिया, गुरु जी ये बेर पड़े थे, कहा तुहाडे दोनों का प्रसाद है, आप दोनों प्रसाद ले लो। इसे वे ऑफ ब्लेसिंग, आपको गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। तो हम सब लोगों को बहमों से निकालने के लिए ही गुरु जी आए थे और बहमों से निकाला है, लेकिन जितना बहमों से निकाल के गए हैं ना उतना हम संगत उतने ही बहमों में ज्यादा फंसते हैं। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल आई हैव अ क्वेश्चन। तो
तो जो महाशिवरात्रि जब बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्ट हो गया था तो वहां पर मनती थी ना, तो लेकिन मनाई 2002 मनाई में बहुत बार मनाई है आंटी। मेरे ख्याल से 2001 से टिल 2007 तक गुरुजी ने मनाई है वहां। तो यहाँ पर 2002 की ये जलंधर में ये मनाई गई है। जलंधर मंदिर का है, अच्छा 2002 में वहां टू मनाई थाउजेंड गई। टू में 2002 में नया साल, 2001 का नया साल और 2002 की शिवरात्रि, तो दोनों अच्छा फंक्शन गुरुजी ने माना। तो अच्छा 25 दोनों जगह जनवरी किए। 2002 को 2001 को 25 दिसंबर 2001 को गुरुजी सोनीपत गए थे। सोनीपत से सीधा स्कूल के वहां पे फंक्शन पे गए थे, तो हाँ जी वहीं से सीधा जलंधर आ गए थे। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। विल रीड फॉरवर्ड नेक्स्ट सत्संग। उसकी हेडिंग है लुधियाना के भक्त परिवार को गुरु जी का आशीर्वाद। सन 2002 में एक शिष्य ने गुरु जी से प्रार्थना की कि वे लुधियाना आकर सत्संग करें। सत्संग की व्यवस्था बहुत ही भाग्यशाली भव्य बहुत ही भव्यशाली थी, परंतु जब गुरुजी लड्डू प्रसाद बांट रहे थे तो लड्डू कम पड़ गए। मेजबान लज्जित होकर और लड्डू मंगाने लगे, परंतु गुरुजी ने उसे कहा, पांच बड़े डब्बे लड्डुओं के उनके आसन के नीचे रखे हैं, ये डब्बे वहां चमत्कारिक रूप से रखे गए होंगे। मेजबान अंकल के पौत्र और पौत्री गुरु जी के निकट आने से बहुत डर रहे थे। गुरु जी के वहां से जाने के बाद बच्चों ने इसका कारण बताया कि गुरु जी के गले में जीवित सर्प देखकर वे बहुत भयभीत हो गए थे। हम समझ गए थे कि गुरु जी ने अपनी असीम कृपा एवं आशीर्वाद रूप से अलौकिक भगवान शिव के रूप में उन बच्चों को दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। ओवर टू यू धानक। गुरु जी मुझे भी बहुत बोल रहे थे, कहते नरेंद्र अपने घर पे सत्संग रख। तो उस समय मैं अगर बोलूं कि मेरी औकात नहीं थी कि मैं सत्संग भी रख सकूं, क्योंकि सत्संग का मतलब ये होता है कि आपको उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ करना है, प्लस कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोड की, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो गुरु जी ने किसी और संकर, उस समय नए नए जुड़े थे मिस्टर रब राय, उनको वहाँ बोला चल तेरे करे हम आगे सत्संग रख। तो उन्होंने सत्संग ऑर्गेनाइज किया, बहुत संगत आई थी। गुरु जी ने वो चोला जो पहना हुआ, जैसे सांप की कांच कंज होती है जो ऊपर पहनी स्किन होती है, जो ऐसे कलर का गुरु जी ने पहन के रखा था, मैंने उसे पहले भी कभी नहीं देखा उनको, ना उसके बाद कभी वो चोला देखा ऐसा। तो गुरु जी ने सबको प्रसाद दिया, उन्होंने डब्बी दो दो प्रसाद दे रहे थे, तो लास्ट पे कम हो गए, थोड़ी स्पीड अभी पड़े थे, तो अंकल कहते मैं अभी जाके ले आता हूँ। गुरु जी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी कम कर लो, बस साथ ही शॉप है अभी लेके आया। तो गुरु जी का नाना मेरी गद्दी नीचे पांच गद्दे पहने या डब्बे चुको था, तो वो डिब्बे कौन लेके आया, गुरु जी की गद्दी के नीचे ही क्यों रखे उन्होंने, तो वो नहीं किसी को पता। तो उन्होंने पूरा प्रसाद फिर वहीं पे उससे कंप्लीट किया। तो फिर उनके जो बाद में नाता नाती थे या उनके पोता पोती थे दोनों, तो उनसे वो डर रहे थे गुरु जी के, गुरु जी के पास माथा टेक, उन्होंने माथा नहीं टेका, कहते नहीं गुरु जी के गले में तो ना सांप थे तो इसलिए हम नहीं जाता। अब उन बच्चों को गुरु जी ने अपने शिव रूप के दर्शन देने थे, तो उन्होंने दर्शन दे दिए। तो भाई उसके बाद मेरे जब कहते हैं ना हिम्मत हुई कि हाँ मैं बुला सकता हूँ, तब मैंने गुरु जी को बोला था गुरु जी अब जब आप पंजाब आओगे ना, गुरु जी दिल्ली में थे, तो गुरु जी एक घर पे सत्संग रखेंगे, बड़े वाला सत्संग रखेंगे। कहते नरेंद्र तेरे करे हर रोज होके आना, मैं तेनों लोड़ ही नहीं है कि सत्संग रखने की, तो हर एक संगत के घर पे जाते, नॉट मैटर कि नरेंद्र है या कोई भी है। तो उन्होंने फिर मुझे बताना शुरू किया, तेरा मंदिर कहाँ बना हुआ, स्टोर कहाँ है, तेरा बेडरूम कहाँ, बेडरूम में कहाँ अलमारी बनी हुई है, कहाँ चीज क्या रखी हुई है, तो दूसरे रूम में क्या है, किचन कहाँ है, सब कुछ A to Z वहीं बैठे बैठे मुझे डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। कहते कमला जड़े साड़ी लाड़ लग गया, उसके घर के ऊपर तो मेरी वैसे ही नज़र है, मुझे हर एक चीज़ पता है, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ। वो टाइम था जब मैंने तेरे यहाँ पे आना था, अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब का तब देखेंगे, लेकिन ही सेड आई एम इन योर होम। तो वो सारी संगत के घर पे है, नजर मैटर की नरेंद्र है या कोई, जो भी उनको सच्चे मन से याद करता है वो सारी संगत के। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल फॉर द ब्यूटीफुल सत्संग और नरेशन। हमारी आज की जो रीडिंग है वो यहीं तक है, तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।
अलका आंटी, बहुत ही भाव से आपने आज की रीडिंग की है इस सेशन की। महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे। ज्ञान अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना समय देने के लिए। ऐसे ही समय निकाल लिया करो। और संगत जी, नेक्स्ट संडे गुरु जी महाराज की कृपा से नेक्स्ट संडे ये सेशन दोबारा 11 बजे से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट संडे इसी के साथ ही हम लोग महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी।